अलिफ अरबी फारसी और उर्दू भाषा का पहला शब्द, इल्म का पहला पायदान, शिक्षा हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ा हक है। मगर बदलते वक्त के साथ क्या ये जानना और समझना जरूरी नहीं है कि आखिर कौन सी शिक्षा बेहतर है, कौन सा इल्म ईश्वर और इंसान दोनों को जोड़ता है। हमें एक साथ हंसने मुस्कुराने की ताकत देता है। अलिफ शिक्षा की अहम किताब है, जिसके हर पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, जीने के लिए लड़ना नहीं पढ़ना जरूरी है। अभी दिखाते हैं। मुर्गी कहाँ से आई? जमीला खाला की है, अम्मा ने पकड़ ली थी। कब? अरे रात में छत पर आ गई थी। अरे तेरी छत पर आ गई तो मेरी मुर्गी खा जाएगी क्या? दरवाजे से तेरी मुर्गी आएगी। अरे हमारी जिम्मेदारी का पूरा खानदान तेरा। जिसने मेरी मुर्गी खाई है उसे टीबी हो जाए, कॉलरा हो जाए, हैजा हो जाए, उसे उसे अल्लाह गारत कर दे। बड़ी आई टीबी वाली। अरे तो मुर्गी आज नहीं हटेंगे हम परिया महारानी की टोरिया। अपनी मुर्गी का छोड़ लगाए बिना नहीं कहीं जाओगी। चोरी की है? अल्लाह तौबा, चोरी की नहीं है। तो फिर जुर्माना है? किस चीज का? हमारी छत पे घूमने का। मौलवी सब मारेंगे। मत कर, मत कर।
शकील हम तुम्हारी अम्मा को कह देंगे। मत कर, मौलवी सब मरेंगे। मत कर, मत कर शकील, उसको परेशान मत कर। बहुत ज्यादा कर रहे हो शकील। तुम घर जा रहे हो? हाँ। हम दवा खाने जा रहे हैं अब्बा के पास, शाम को मिलते। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ मदरसे में आज? आज पता है हमने पूरा एक पारा खत्म कर दिया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलवी साहब खुश थे? बहुत खुश थे। क्या बोले, शाबाशी दी? हाँ दी। रजा साहब। मारूफ रजा आपका नाम है? नहीं मेरा तो नहीं, मेरे वालिद साहब का है। उनके नाम खत है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? ये लीजिए। एक महीने पहले आया था। अगर आप तो जानते हैं कि इधर आना जाना थोड़ा कम होता है। मैंने सुना है कि पहले यहाँ पाकिस्तान से बहुत खत आते थे, मगर पिछले 10-15 सालों से कोई खत नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा। फिर पोस्ट ऑफिस से इतनी दूर कोई आना नहीं चाहता, आप तो समझते हैं। जी शुक्रिया। तुम्हारे इश्क में दिल इस कदर बेजार हो जाए, तुम्हारे इश्क में। जूही जूही सुनो ना, अब बस बहुत हो गया, अब हमारी शायरी भी सुन लो। अरे जब पतंग उड़ाने में लुत्फ है वो तुम्हारी शायरी में कहाँ? पकड़ो अपनी परेती, हम चलते हैं। ओ अरे अरे सुनो मेरी खाला, लो मेरी पतंग भी कट गई, सुनाओ जो सुनाना है। सुनो। तुम और तुम्हारी शम्मी। परेशान हो गई हूँ मैं। ओ शम्मी लो। ओ शायरा ये भी आ गई, नीचे उतरेगी अब वही छत पर गारत हो जाएगी। जब भी देखो छत पर ही चढ़ी रहती है ये लड़की। फौरन नीचे चलो वरना चची हमारे साथ तुम्हारा भी गला दबा देंगी। चूल्हे भाड़ में जाए तुम्हारी चची, जब देखो डराती रहती है। चुप चुप ये बोल वरना चची सुन लेंगी। सुन लेंगी तो क्या, तुम डरो, हमारी अम्मी थोड़ी ना है। अरे 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 शम्मी मेरी जान, इश्क और रिस्क के बिना जिंदगी का कोई जायका नहीं है। रिस्क लेने वाले बेवकूफ होते हैं। अरे मेरी शायरा, बेवकूफ तुम जैसे शायर होते हैं, हम जैसे समझदार तो मजे लूटते हैं। अरे उतरेगी भी या वही ऊपर दफन हो जाएगी। ये तुम्हारी चच्ची को आ रहे हैं चच्चा तुम्हारे, भेजते उनको ऊपर तुम्हारा जनाजा निकालने के लिए। चलो अब जल्दी चलो वरना चचा आ गए ना तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अरे अब्बा अब्बा बाजी का खत आया है अब्बा, मेरी अकेले पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अब्बा आदाब, खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहती हूँ। अब्बा अल्लाह ने बरसों पुरानी मुराद आखिरकार पूरी कर दी, आपको गले लगाने की मुराद अब्बा, जिंदगी की तमाम कोशिशों का सिला मिल गया है, मुझे अपने वतन आने का वीज़ा मिल गया है। अगले महीने की 15 तारीख को मैं आ जाऊंगी अपने घर अब्बा। ज़्यादा लिखना चाहती हूँ लेकिन लिखने का दिल नहीं करता, कितने खत लिख डाले लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप नहीं जानते अब्बा, आपको लिखे गए हर खत के बाद मैं खुद को भी एक खत लिखती हूँ, छूटा खत आपके नाम से, जिसमें ढेर सारी तसल्लियाँ होती हैं, दुआएँ होती हैं,
और इस बात की पुख्ता उम्मीद होती है कि अब्बा मुझे आज भी कितना प्यार करते हैं। आपकी बदनसीब बेटी सहरा। जी हमसे अभी भी नाराज है, खत में एक बार भी उन्होंने मेरा जिक्र नहीं किया। वाराणसी आने वाली गाड़ी संख्या 14258 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। न्याय हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 14258 न्यू दिल्ली टू वाराणसी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। वो आने में ज़रा देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आइए चलिए। आदाब फुफू। जी धीरे बेटा। आदाब फुफू। जी पाजी। पाजी पाजी
अब्बा देखिए ना, रजा हमें परेशान कर रहा है। रजा, हमारा घर कितना खूबसूरत है ना अब्बा, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब्बा अब्बा आइए ना, अब्बा आइए ना, अब्बा कहाँ हैं आप, अब्बा कहाँ हैं आप? लेरा 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 लेरा, लेरा क्यों परेशान करते हो तुम जहरा को? देखा अब्बा, आखिरकार आपकी ज्यारत हो ही गई, मेरे नसीब में था कि आपकी ज्यारत होगी, और ये कैसी हालत बना रखी है आपने, गलत बात है। अब मैं आती हूँ ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाजी, बाजी, दरअसल बाबा को कॉलेज के लिए आपके जाने के बाद वो सबको पहचान सकते हैं मगर चाहकर भी बोल नहीं पाते। चलिए बाजी, आप इतनी दूर से आई हैं, आप चलिए 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 कुछ खा लीजिए, अब आप यहीं हैं ना, चलिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये तो मदरसे जाता है फुफो, हाफिजा कर रहा है। 21 पारे हो गए, बस 9 और हो जाएंगे तो हाफिज तो बन ही जाएंगे अली इंशाल्लाह। हाँ फुफो। अच्छा, लेकिन मदरसे में क्यों, कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजा? वो फुफो क्या? अच्छा स्कूल तो बहुत दूर है, फिर वहाँ तो कोई मुसलमान पढ़ने भी नहीं जाता। वैसे ही कम मुश्किल है हमारी, जो उसको वहाँ भेज देंगे, वहाँ हिंदुओं के मोहल्ले में 5 किलोमीटर दूर यहीं पढ़ लिख लेगा ना, और क्या, आगे अल्लाह की मर्जी। अच्छा फूफू को ऊपर लेकर जाओ। हाँ फूफू, छत पे चलते पतंग उड़ाते। हाँ हाँ तुम चलो। हाँ। मैं आती हूँ। शकील, शकील, क्या है, हम तुम्हारी पतंग काट दे। अरे नहीं नहीं नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, कल छत पर आ जाना, सम्मी बाजी तुम्हें सिखा देंगी। नहीं, हम जमाल भाई से सीखेंगे, कल जमाल भाई आ रहे हैं ना। हमारी जम्मी बाजी तुम्हारी जमाल भाई की पतंग काट देंगी। नहीं,
आज हम मदरसे नहीं आएंगे, आज तो जुमा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जमाल भाई आए ना, देखी नहीं उनकी मोटरसाइकिल, अभी घुमाएंगे यहीं पे हमको, फिर पतंग उड़ानी भी तो सीखनी है। तुम्हारे लिए पराठे लाया था। अच्छा, जमाल भाई से मिलोगे? आओ चलो फिर। शकील जी भाईजान। ये कौन है? अली है भाईजान, इतने साल बाद आए तो कैसे पहचानेंगे। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। तुम हकीम रजा साहब के लड़के हो? जी। शकील, ढेर सारी किताबें किस चीज की है? शायरी की हैं। तुम्हें पसंद है? नहीं नहीं, हमें नहीं पसंद, शम्मी बाजी को पसंद है, वो खुद लिखती है अपने हाथों से। हर कोई अपने हाथ से ही लिखता है। शकील जी भाईजान, अम्मा ने खाना भेजा है? अम्मा ने तो खाना नहीं भेजा है, पर अली पराठे लाया है। पराठे? बाजी ने अपने हाथों से बनाया है। देखें तुम्हारी बाजी के हाथ के पराठे, कमाल की लज्जत है। तुम लोग मुझे काम करने दो। शकील भाईजान से बोलो ना। शकील बोलो ना, मोटरसाइकिल घूमना नहीं है। भाईजान भाईजान सुनिए ना भाईजान, भाईजान आप हम लोग को लेके चलिए ना मोटरसाइकिल पे घुमाने। भाईजान भाईजान घुमा दीजिए ना। शाम को घुमा देंगे। अच्छा ठीक है भाईजान, सुनिए तो भाईजान, आप फिर पतंग भी सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ सिखा देंगे। हाँ वो भी शाम को। हाँ सिखा देंगे भाई। चलो चलो, खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। आ रही हो शायरा, जाकर देख तो अली क्यों मदरसे से अभी तक नहीं लौटा। जरूर वो शकील के साथ मटर कश्ती कर रहा होगा। और सुन, सर ढक कर जाना, ये लड़की बिना पता नहीं कब सीखेगी। अरे भाईजान रो क्यों रहे? चलो उतरो, शकील उतरो। भाईजान भाईजान एक चक्कर और। अरे दो चक्कर का वादा था, 10 चक्कर हो गए, चलो उतरो। अरे भाईजान एक चक्कर और। एक चक्कर और कीजिए ना। मैं कल करवा दूंगा, उतरो मुझे जरूरी काम है। हम नहीं उतरेंगे जब तक आप एक चक्कर नहीं। मैंने बोला ना मैं कल कर दूंगा, उतरो। ठीक है भाईजान। अरे भाईजान अभी भी कह रहे हैं दे दीजिए ना एक चक्कर। हाँ भाईजान, कल फिर करना नहीं पड़ेगा। कल? चलो यार, अब भाईजान मान भी नहीं रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हो? घर और कहाँ, इतनी देर हो चुकी है, अम्मी ने तो बाजी को ढूंढने के लिए भेज भी दिया होगा तुम्हारे घर। शकील 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 शकील। शकील नहीं है, अली है। अली? अरे कहा ना शकील नहीं है। अली? अली भी नहीं है। आप रजा साहब की भतीजी हैं? अली थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ पर था, शायद घर चला गया होगा। सुनिए, एक मतले की इसलाह करनी है, कर देंगी? अरे सुनिए तो, पराठे उमदा थे आपके हाथ के, शुक्रिया। पता है तुम तो वहां चले गए और शम्मी तुम्हें ढूंढने के लिए शकील के यहाँ चली गई। अली जान अब क्या होगा? अली चलो इधर आओ। अरे हम खाते हैं। हाँ आओ ना, खिलाते हैं तुमको। बिट्टो बाजी कहाँ ले जा रहे हैं, छोड़िए ना, भूख लगी है। अभी बताते हैं कहाँ ले जा रहे हैं तुमको। क्या हुआ बाजी,
शम्मी हम क्या किए? किसने कहा शकील के भाई से कि हम शायरी करते हैं? और जो पराठे शकील के ले गए थे वो उसके भाई को तुम्हें क्यों खिलाया? अली बताओ। अली हमने तो शकील को दिए। अरे दरवाजा क्यों बंद किया तुम दोनों? ऐसी क्या जरूरी बात है जो अंदर कर रहे हो? उसने दिए जमाल भाई को। चुप। खबरदार अगर चाची से कुछ कहे तो हम भी बता देंगे। मदरसा जाने के बजाय पूरा दिन मटकश्ती करते रहे तुम शकील के भाई के साथ। अली जी खोल रही हूँ। खोलो। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, शकील के भाई की पतंग काटनी है। अरे हाँ हाँ उड़ा तो रहे हैं, रुक तो जाओ। जल्दी बच्ची जल्दी। अरे बाजी ऊपर लो। अरे रुको तो, अभी काट के दिखा दी हूँ। बाजी वो नीचे वाला आपको काट रहा है। अरे रुको, अरे इसकी तो बाजी अब आज कैसे उड़ा रही है? ठीक से उड़ाइए ना। अरे ठीक से ही तो उड़ा रही हूँ अली। लाइए बाजी दीजिए, हम उड़ाते हैं। अरे रुको तो सही, तुम क्या उड़ाओगे? अभी काट के भाईजान, हमारी पतंग तान दीजिए ना। ये देखो बाजी जल्दी काटो। अरे रुक, अभी काटती हूँ। बड़े पतंगबाज होंगे अपने घर के, हमें नहीं लड़ानी अपनी पतंग उनसे। चलो तुम दोनों नीचे। अरे चलो बाजी पतंग काट दीजिए ना। हमें नहीं लड़ानी अपनी पतंग उनसे। अरे शम्मी क्या हुआ, काटने दोनों उनकी पतंग, बड़ा मजा आएगा। तुम भी ना शम्मी, सामने वाला मोहब्बत जता रहा है और तुम नफरत दिखा रही हो। शायरा ये शायरी नहीं मोहब्बत है, मोहब्बत। ये हुई, कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और क्या पप्पो, सच में आराम से दादा बैठे रहिए, हम पकड़े हैं ना आपको। ला ये लीजिए। आज तो पप्पो दादा को सच में सुकून मिल गया होगा, इतने दिन बाद जो नहा रहे हैं। हब्बा आदाब, खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदा बंदे करीम से नेक चाहती हूँ। कितने खत लिख डाले लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। खुदा हाफिज अब्बा, अल्लाह करे मैं जल्द आपके सामने जीती जागती मौजूद रहूं। अब्बा आपकी मर्जी थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं, ये मुल्क हमारे जैसा नहीं है अब्बा। यहाँ भी वैसे ही खतरनाक लोग हैं जिनके डर से आपने मुझे पाकिस्तान भेज दिया।
रजा, अब्बा हमें भूल गए हैं। खुदा के लिए एक बार मेरी मदद करो, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकाल दो। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, मेरा कोई नहीं है यहाँ। ये सिर्फ एक ऐब खाना है जिसके दरो दीवार मेरे लिए बिल्कुल बेगाने हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। से अभी भी नाराज हैं? पाजी, मैंने आपके खत का जवाब लिखा था पर आप तक पहुंचा नहीं। पाजी, खत। खाने में जैसे ही डाल के आया, पीछे से पुलिस अधम की। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, कहने लगे आइंदा अगर पाकिस्तान खत लिखा तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। बोले दुनिया में चाहे कहीं भी किसी को भी कुछ भी खत लिखो भेजो, पर पाकिस्तान नहीं। पाजी, पाजी, पाजी मैं डर गया था। माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। बस करो रजा, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो ना, बस करो, बस करो। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूं अब्बा भी डर गए थे और तुम भी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आगे की नस्लें भी डर डर के जिए, दब के जिए। हमें उन्हें ताकत देनी पड़ेगी रजा, इल्म की ताकत। कुरान में कौन सा लफ्ज बार बार दोहराया गया है? इल्म। लेकिन इल्म तो वो हासिल कर रहा है। सिर्फ कुरान रट लेने से इल्म थोड़ी ना आ जाता है रजा। इल्म तो वो है जो एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने की समझ दे, इस खूबसूरत दुनिया को आगे बढ़ाने का कायदा समझाए, इसको बेहतर बनाने का हमें सबक सिखलाए। और फिर दीन का इल्म तो दुनिया के इल्म से ही गुजरता है ना रजा। दुनिया तो खुदा ने खुद हमें दी है ना, इसमें जीने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया का इल्म भी सीखें और अपने बच्चों को सिखलाएं।
मेरी तुमसे एक गुजारिश है, तुम हमारे अली को एक अच्छे स्कूल में दाखला दिलवाओ। मेरी चाहत है कि अली हकीम ना बने बल्कि एक डॉक्टर बने। डॉक्टर? आओ मेरे अली जान। प्रिंसिपल साहब। सलाम वालेकुम। ओ, ये अली मेरा बेटा, वो मदरसे से आपसे बात हुई थी। आइए। चलो चलो चलो। शुक्रिया। देखिए, आपका केस बड़ा मुश्किल है। अब 12 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं आता। ये तो बहुत तेज है प्रिंसिपल साहब, मदरसे का सबसे तेज लड़का है ये। अब जनाब, ये आपका सोचना है ना। आपके मदरसे और हमारे स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी मदरसे का बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आए। लेकिन मैं आपको ये मौका जरूर दूंगा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कमिश्नर साहब का तीसरा लेटर है सर। अच्छा। इसके पहले भी दो लेटर आ चुके हैं सर, उनके रिकमेंडेशंस का क्या करना है सर? भारद्वाज जी। जी सर। बड़े लोगों का लेटर है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी। जाइए एडमिशन कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ तो ऐसा करते हैं, इसे थर्ड क्लास में लेते हैं। जी। 3 महीने में पता भी चल जाएगा कि कितना समझदार बच्चा है। जी। और कितना पिक कर रहा है। जी, बेहतर है। ठीक है, ठीक है। चलिए। मदरसे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? नहीं, तुम हाफिज नहीं बनोगे? फुफू कहती हैं हमें डॉक्टर बनना है। स्कूल तो हिंदुओं की बस्ती में है ना, और जमाल भाई कहते हैं कि सारे हिंदू मुसलमानों से जलते हैं, चैन से पढ़ने नहीं देंगे वो, देख लेना। क्यों नहीं पढ़ने देंगे? शकी, स्कूल बहुत अच्छा है, तुम भी चलो ना वहाँ। बहुत पैसा लगेगा। शकी, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हें बताते रहेंगे स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, और जैसे ही तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम भी आ जाना। पर जमाल भाई हमें कभी स्कूल नहीं जाने देंगे। क्यों? वो कहते हैं सिर्फ मदरसे में पढ़ के अल्लाह से मोहब्बत की जा सकती है। लेकिन फुफू कहती है अल्लाह से मोहब्बत इल्म हासिल करके ही की जा सकती है। ये इल्म क्या होता है? स्कूल की पढ़ाई।
भी तेरी। What's your name? आपसे पूछ रही हूँ. Stand up. आप लोग हंस क्यों रहे हैं? I said silence. Silence. खड़े हो जाइए. बेटा. Where are you from? Silence. Don't laugh. Keep silence. कोई बात नहीं बेटा. Sit down. बैठ जाइए. Okay. We'll read a new chapter. What is the name of chapter? Today we'll read the story of Tom Sawyer. You know Tom Sawyer? I'll write here. Tom Sawyer. Jamal Mia, इस मदरसे का मुस्तकबिल अब हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं. अल्लाह तुम्हें कामयाब करे. इंशाअल्लाह मैं आपके ख्वाबों को जरूर ताबीर में बदलूंगा. इंशाअल्लाह नई जिम्मेदारी मुबारक हो. मुझ पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर. नमस्ते सर. क्या शंकर भाई अकेले अकेले चाय पी रहे हैं? जरा हमें आप भी पिलाइए. अभी मंगा देते हैं. अच्छा पहले ये बताइए वो दो लोग का क्या हुआ? कौन लोग? वो पाकिस्तानी जो थे. पाकिस्तानी? अरे जिनका वीजा खत्म हो गया भाई. आप भी. अच्छा सर. अच्छा जल्दी करिए फाइल भिजवानी है हमें. जी सर. जी सलाम. जी कहिए. हम तोशीपुरा से आए थे. काम बताइए. वो हमारी बहन आई थी साहब पाकिस्तान से. वो वीजे में है साहब 3 महीने के. 1.5 महीना हो गया है. 1.5 महीना बाकी है साहब. नाम क्या है? जहरा रजा. जहरा रजा. शंकर जी जरा फाइल निकालिए. जहरा रजा. जी निकालता हूं. सर फाइल. ठीक है फिर. साहब उन्हें पाकिस्तान मत जाने दीजिए. साहब वो उनकी साहब उनकी यहीं की पैदाइश है साहब. मैं लाया हूँ साहब. सब सारे सर्टिफिकेट्स लाया हूँ. बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल का सर्टिफिकेट. उन्हें जाने मत दीजिए साहब. उनको जाने मत दीजिए साहब. पाकिस्तानी बनी कैसे? दंगे हुए थे साहब. हर तरफ कत्ल गारत दहशतगर्दी का माहौल. खून खराबा. जान बचाने के लाले पड़ गए. बड़े भाई और भाभी उसी दंगे में मारे गए. किसी तरह उनकी बेटी को बचा के लाए. अब्बा मैं और बाजी रह गए थे और कुछ नहीं बचा था. सब जल के खाक हो गया. अब्बा के एक खास दोस्त थे. कहने लगे लड़की को पाकिस्तान भिजवा दो महफूज रहेगी. वहां हमारे जान पहचान के एक दोस्त थे. उनके बेटे से शादी करवा देंगे. यहाँ तो सब हिंदू.
शादी हुई? हुई साहब, पर कामयाब नहीं हुई। पाजी उस आदमी की चौथी बीवी थी, उसकी तीन बीवियां पहले से मौजूद थी। साहब साहब, बाजी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने मारा पीटा धमकाया, पासपोर्ट तक फाड़ दिया साहब, उनको हिंदुस्तान नहीं आने दिया। बाजी पर पाकिस्तानी की मोहर लग गई साहब, हम लोग भी बहुत डर गए थे साहब। कुछ कोशिश कीजिए साहब, उनको वापस मत जाने दीजिए साहब। ऐसा होता नहीं है कभी, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। वीजा खत्म होने के बाद यहाँ पे रहना गैर कानूनी है, ये तो आप जानते हैं ना साहब। कोशिश कीजिए साहब, आपके हाथ में सब कुछ है साहब। साहब वो यही की पैदा है, इसी मिट्टी की पैदा है, मेरी सगी बहन है हुजूर। ठीक ठीक, उनका वहाँ कोई नहीं है, वो क्या करेंगे? आप कोशिश कीजिए साहब, उनको जाने मत दीजिए साहब, उनका कोई नहीं है वहाँ पे साहब, क्या करेंगे वहाँ अकेले जाकर? कुछ कीजिए साहब, आप कर सकते हैं साहब। शंकर जी। जी सर। जी क्या कर रहे हैं सर? अब देख लीजिए सर, काम तो ही जाएगा, कोई बहुत मुश्किल थोड़े। आदमी तो भला लग रहा है, कुछ कीजिए ना। जी करता हूँ। हो सकता है? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है करिए करिए। जी एक रास्ता है। जी 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 जी। पैसे लगेंगे उसके लिए। कितने पैसे? यही तकरीबन 50,000। 50,000 कर पाएंगे? 50,000 जी। आपको अपनी बहन को मारना पड़ेगा, सच में नहीं, कागजों पर। आप अपने लोकल कब्रिस्तान में एक नकली कब्र बनवा दीजिए और अपनी बहन के नाम का पत्थर लगवा दीजिए। हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे जन्म फला तारीख, मृत्यु फला तारीख, एक दो गवाह लगेंगे, बस काम खत्म। क्या सोच रहे हैं जी? मेहरबानी साहब, शुक्रिया, सलाम। स्कूल में सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि मदरसा सबसे अच्छा है, और अब तो जमाल भाई मुदर्रिस भी बन गए हैं। कमेटी ने उनको मदरसे का मुतवल्ली बना दिया। जमाल भाई को? और नहीं तो क्या, इतना पढ़ के आया दिल्ली से, उनको तो पूरी कुरान भी याद है। हम स्कूल छोड़ भी तो नहीं सकते, फुफू नाराज हो जाएंगे। अरे यार, फुफू कौन सा हमेशा के लिए रहने आई है, एक डेढ़ महीने बाद चली जाएंगी, फिर छोड़ देना ना। हाँ ये ठीक रहेगा। सलाम। सो डाउन। आज हम वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ लेटर, राइट? हाउ टू राइट अ लेटर, पेज नंबर 47। टेक्स्ट बुक ओपन करो, दिखाओ। ए, क्या कर रहा है ये? उस्ताद जी? चल चल भाई, चल उस्ताद जी। आज जी के बच्चे, उस्ताद जी। क्या नाम है तेरा? अली रजा। कहाँ से आया है? दोशीपुरा। इसके पहले कहाँ पढ़ता था? मदरसे में। उस्ताद जी, फिर उस्ताद जी,
उस्ताद जी बोलता है डफर। एबीसीडी आती है 1 2 पोएम। क्या था तेरे को, क्या सिखाया अब तक? हाँ सुनाओ जो सिखाओ, सुनाओ सुनाओ सबको, क्या था तुझे, चल सुनाओ। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Get down from my class. Bargain. सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल बना रखा है आपने कमरे का, इतनी सारी किताबें क्यों बिखेर रखी हैं? बस यूं ही एक नई गजल की तलाश थी। गजल? आजकल बहुत तलाश कर रहे हैं आप। बस यूं ही। ख्याल रखिए कहीं खुद ना खो जाएं। दिलबरी करें? करिए। मौसम खुशगवार है आज बहुत। फरियादे इश्क को मेरी मंजूर कर दिया। फरियादे इश्क? जी। फरियादे इश्क को मेरी मंजूर कर दिया। दिल मेरे अख्तियार से कुछ दूर कर दिया। माशाल्लाह क्या कहा है आपने, वाह वाह। करके इस एक बला में नहीं उसने मुब्तला, करके इस एक बला में नहीं उसने मुब्तला, दुनिया की हर बला से मुझे दूर कर दिया। वाह क्या बात है, हम जैसे शायरों को तो आपकी शागिर्दी करनी चाहिए। आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया। शायरी हमारी जान है, हमें कोई अर्ज नहीं। शुक्रिया। बहुत और कुछ समझ में भी नहीं आता। हम रहते साथ में तो समझ आ जाता, स्कूल में बड़ा शेर बनता है, बाहर निकलते ही मारो पत्थर साले को खींच के, समझ आ जाए। चले क्या हम कल? नहीं फुफू चले जाएंगे तो हम अबू से कह देंगे कि हमें स्कूल नहीं जाना। अगर तुम्हारे अबू नहीं आने ना तो हम भी जमाल भाई से कह देंगे कि हमें भी उसी स्कूल में जाना है, तुम्हारे बिना मदरसे में दिल नहीं लगता। सच? सच में। आप साबित क्या करना चाहते हैं? एक अलिफ बे पढ़ने वाला लड़का हमारे स्कूल में, उसे आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। पूरे शहर में हमारे स्कूल का एक स्टेटस है।
मैंने उसे 3 महीने का वक्त दिया है, अगर वो कुछ नहीं कर सका तो कुछ सोचूंगा। तुमको पता है पाकिस्तान कहाँ है? हमारा पड़ोसी मुल्क। पड़ोसी क्यों है? हमारे मुल्क में क्यों नहीं? 15 अगस्त 1947 से पहले था, अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया अलग अलग। अच्छा 15 अगस्त से याद आया, कल 26 जनवरी है, सब लोग झंडा लेकर आएंगे, तुम मत भूलना। अच्छा तो ये सब अंग्रेजों का हरामी पना है? ना पाकिस्तान बनाए होते, ना तुम्हारी फुफू को वहाँ शादी के लिए जाना पड़ता, और ना ये सब बखेड़ा होता। वैसे ही अंग्रेज रहते कहाँ हैं? पता नहीं, पूछना भूल गए हम। पूछ के बताना जरूर, ये अंग्रेज सब बड़े कमीने, तुम्हारी फुफू को मुश्किल में फंसा के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम्हारे स्कूल में कल झंडा फहराया जाएगा, हम भी चले? नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ? बस देखे चले आएंगे? नहीं, चौकीदार तुम्हें अंदर नहीं आने देगा। अरे चौकीदार। अली सुनो ना, हम बाहर से ही देख लेंगे। ठीक है आ जाना, लेकिन किसी को पता ना चले, नहीं तो हमको बहुत डांट पड़ेगी। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। डीजे आपका काम हो गया। अरे एक दो गवाही दिलवानी है तो दिलवा दीजिएगा। आपकी बहन के वीजा खत्म होने में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन मैं फाइल आज ही भिजवा देता हूँ ताकि केस जेन्युइन लग जाए। रजा साहब जी। पैसे? हाँ जी जी। अरे लाए हूँ, लाए हूँ, लाए हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? कितने? 25,000। अरे मैं इंतजाम कर रहा हूँ। मैं वो भरोसा रखिए आप मुझ पे इंस्पेक्टर साहब, मैं फौरन आपको जल्द दे दूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलूँ? देख रहा है बे? अरे कुछ नहीं कर रहे चचा, बस देख रहे हैं। तमाशा चल रहा है, ये स्कूल है, स्कूल नौटंकी नहीं। चल निकल यहाँ से। पता है पता है, मेरा दोस्त यहीं पढ़ता है, आज झंडा फहराया जा रहा है ना, वो ही देखने आया था मैं। हो गया ना, चल निकल। अरे चैन से सुरती खाओ चचा, बस थोड़ी देर और। फूल पाकिस्तानी झंडा लग गया, कहाँ मिला ये, कहाँ मिला, कहाँ से लाया? अरे मिस्टर भारद्वाज बंद कीजिए, मार डालेंगे कैसे? ये पाकिस्तानी झंडा लेके आया, देख रहे हैं करतूत? पहले ही कहा था सबके सब देश के दुश्मन हैं वाले। अली मलाली 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 मलाली।
सॉरी रजा साहब, मैं आपके बच्चे को कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद हुजूर, कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। गलतफहमी ऐसी जो तमाशा बन जाए। वैसे भी हमारे स्कूल के बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि मदरसे का बच्चा यहां पढ़े। चाहते तो हम भी नहीं है प्रिंसिपल साहब, मगर मेरी बहन की जिद है कि बच्चे का दाखला अंग्रेजी स्कूल में हो, दुनियावी इल्म हासिल करे। एक मौका और, एक आखिरी मौका, गुजारिश है आपसे, मुसलमान समझ के नहीं, मदरसे वाला समझ के नहीं, एक बच्चा समझ के। ठीक है, लेकिन फिर कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम तो पहले से ही कहते थे ना कि इन हिंदुओं के स्कूल में ना भेजो, ना भेजो, ना भेजो। लेकिन नहीं, हमारी बात कौन मानेगा? देखिए नतीजा, इतने दिन से स्कूल जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कर सका कि कौन सा झंडा लेके जाना चाहिए। हम कह देते अगर इन स्कूल वालों का रवैया नहीं बदला ना, तो फिर मदरसा ही ठीक है। चुप पेरा बाबू, हाफिज बन जाए ना काफी है। ये डॉक्टर शाक्टर बनने के चक्कर में जान का लेप देना हो जाए। बेटा, बेटा, जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, जिनके सर पर कोई हाथ नहीं रखता, उनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है, सब परेशान करते हैं उनको। सिफारिश किसी बड़े आदमी से जान पहचान बेटा, गरीब को तो हर कोई सताता है। अखबार पढ़ लो, तुम्हारा भाई बिना पढ़े मशहूर हो गया और साथ में हमारा मदरसा भी। उसकी क्या गलती है, उसे कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारे चचा को अचानक से क्या सूझी कि उसे हाफिज से डॉक्टर बनाने चल दिया? इसमें गलत क्या है? और वो भी सिर्फ तुम्हारी फुफ्फू के कहने से? जमाल सिर्फ फुफ्फू के कहने से नहीं, वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, इसलिए फुफ्फू ने तो बस उनको हौसला दिया। मुसीबत खड़ी करे तुम्हारा भाई और जवाब दे हम, इस तरह मदरसे के सारे बच्चे मदरसा छोड़ के जाएंगे तो मदरसे में पढ़ेगा कौन? कुछ नहीं, क्या होगा, आप अकेले बैठ के खुद को पढ़ाएगा। शम्मी, जमाल खाना तो खाते जाइए, भूख नहीं है। मैंने खुद बनाया आपके लिए जमाल। जमाल की बात तो सही है कि बड़े आदमी की सिफारिश से हर कोई डरता है, लेकिन हम भी किसी बड़े आदमी को जानते ही नहीं। हम एक बड़े आदमी को जानते हैं। ये कमिश्नर साहब का तीसरा लेटर है सर। पर एक मुश्किल है। क्या? वो हमें नहीं जानता। कहाँ रहता है वो? शकील, अब क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारी फुफ्फू के नाम से मास्टर जी को खत लिख दें, वो भी तो बड़ी हैं। हाँ, पर लिखेंगे क्या? अरे यही लिखेंगे कि अली ने हमको सब कुछ बता दिया है, आप उसे जबरदस्ती परेशान करते हैं, ज्यादा परेशान ना कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा, ये लिखेंगे खत में।
खत का बहुत असर भी होता है। बड़े लोगों का लेटर है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस तुम अपने मास्टर का असली नाम पता कर लो, बाकी सब हम कर देंगे। चलो। राजा साहब, हमने तो अपना काम कर दिया जी। दिल्ली में आपकी बहन का फाइल जो है वो बंद हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक खास बात जी, ये ध्यान रखिएगा कि जब तक कोई पुख्ता शिकायत नहीं होगी तब तक सब ठीक है, वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजा साहब जी। राजा साहब। हाँ जी 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 जी। हाँ जी। ये। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, तो आप ऊपर से भी दे सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया हुजूर। फुफो सब क्या कर रहे हैं फुफो आप? बस जाने की तैयारी कर रहे हैं बेटो। तौबा तौबा, ये क्या कह रहे हैं आप? चचा ने पुलिस से बात कर ली है, अब आपको वापस कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। सच में फुफो, हम सही कह रहे हैं, आप हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी यहीं पे। सच? हाँ फुफो। चलो फिर ये कपड़े बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल पप्पू। आज जमाल आने वाले हैं पप्पू। अच्छा जी, आप भी तैयार हो जाइए। मैं तो तैयार ही हूँ, तुम जाके तैयार हो, खूब सजो बनो, है ना? हाँ बस तुम चलो, मैं आती हूँ। जी ठीक है जी, आइए पप्पू आप। मदरसे की जिम्मेदारी हमने आपको सौंपी है जमाल मियां, अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ झुकाओ, क्योंकि इंसान की मोहब्बत सिर्फ इस दुनिया तक ही महदूद रह जाती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हश्र तक साथ देती है, हश्र तक। मोहल्ले के बच्चों का मदरसा छोड़ के जाना हमारे लिए बेहद खतरनाक है। वैसे तुम खुद ही समझदार हो। क्यों शायरा, मिल गया ना अब तुम्हें तुम्हारा शहजादा। बस अब हमारी जान छोड़ दो। शम्मी बाजी। क्या हुआ शकी? जमाल भाई नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ? वो मदरसे गए हैं। क्यों, मदरसे क्यों गए? शम्मी बाजी, जमाल भाई कह रहे थे कि रजा सच्चा सही नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से वो ये रिश्ता नहीं रखना चाहते। क्या प्रगति सर, अरीशा प्रेजेंट सर, सान्या अग्रवाल सर, अली रजा प्रेजेंट सर। ठीक है, आज हम आप लोगों का होमवर्क चेक करेंगे। ठीक है, बुक्स निकालिए आप लोग। सब लोग पेज खोल के रखिए, दिखाइए। ठीक है, तुमने तो किया नहीं होगा, दिखाओ सर। इधर लाओ। किया है? अच्छा। सर क्या है? मेरा होमवर्क। ठीक है ठीक है। आप हमारे मोहल्ले के सबसे जहीन आदमी हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो अल्लाह को और भी ज्यादा बुरा लगेगा।
और सब कुछ जानते हुए ऐसा करना गुनाह है। रजा साहब, आप अपने बेटे को दोबारा मदरसे में डालिए। 21 पारे हिफ्ज कर चुका है वो। इंशाल्लाह इसी साल हाफिज बनकर हमारा और आपका नाम रोशन करेगा रजा साहब। हाफिज साहब, अली का अंग्रेजी स्कूल पढ़ने से हमारे मजहब या मदरसे को क्या तकलीफ हो सकती है? इल्म हासिल करना तो हमारा बुनियादी हक है। हक तो हमारा इस मुल्क में अमन और चैन से जीना भी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? देखिए, अली की वजह से मदरसे के दूसरे बच्चों पे बुरा असर पड़ा है। सब स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अगर सब मदरसा छोड़ के जाएंगे तो मदरसे का क्या होगा? पुराने दंगों को मत भूलिए रजा साहब, पुराने वक्त को वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आपको एक फैसला लेना होगा आज, आपको हमारे साथ रहना है या उनके साथ। जमाल, रजा साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कल सुबह कब्रिस्तान में आ जाइएगा। लो, हो गया खत तैयार। जैसे ही तुम्हारा मास्टर पढ़ेगा ना, पेशाब कर देगा पैंट में, सारी अंग्रेजी टे हो जाएगी, देख लेना। चलो डालते हैं खत। चलो। मदरसे वाले दुश्मनी पे आमादा हैं। पर तालीम तो अच्छी बात होती है ना? अच्छी बात होती तो हमें यूं बुला के धमकियां नहीं दी जाती। मेरी मोहब्बत को नफरत का सिला क्यों जमाल? मैं तुमसे पूछ रही हूँ जमाल, क्या फैसला किया तुमने जमाल? जमाल, मजहब या मोहब्बत, बोलो जमाल, मुझे जवाब चाहिए जमाल, अभी और इसी वक्त, बोलो जमाल। कह दो कि ये सब दीवान झूठे हैं, ये करोड़ों अरबों लफ्ज जो मोहब्बत के लिखे गए सब बकवास है। बोलो जमाल, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? जमाल, मुझे जवाब दो जमाल। बोलो जमाल, बोलो, देखो मेरी तरफ जमाल। यू बुद्ध बन के मत खड़े रहो जमाल। बोलो जमाल, मुझे जवाब दो जमाल। जमाल, खुदा के लिए जमाल, कुछ तो बोलो, मेरी फुफ्फू ने दोबारा क्या बिगाड़ा है? बोलो जमाल, बोलो। मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। क्या कहा तुमने? झूठ। जिसे अपने सामने खड़े एक मुकम्मल इंसान से मोहब्बत नहीं हो सकती, वो अल्लाह से क्या मोहब्बत करेगा? जहरा रजा, मेरी फुफू। मैं आई कम इन सर। कम कम सर, आपका लेटर है। लेटर? जी। ओके, जाओ। इनोसेंट है, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है
और पता नहीं क्या क्या लिखा है इस खत में। रजा साहब ये क्या तमाशा है? आज ये चिट्ठी लिखकर धमकी दे रहा है, कल यही लड़का स्कूल में बम फोड़ेगा। बड़ी जंगली। प्रिंसिपल साहब। सर, मैंने आपसे कहा था इस स्कूल में इन जंगलियों का कोई काम नहीं है, लेकिन आप माने नहीं। सर, आप अब भी सोच रहे हैं? निकाल के बाहर कीजिए लोगों को इस स्कूल से। कमान सर, राइट नाउ। जरा सोचिए सर, इसने तो अपने टीचर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। इज्जत का ख्याल तो आप नहीं रख रहे। बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाजी, मैं बात कर रहा हूँ, आप घर चलिए। बात करने दो मुझे। बाजी, मैं हूँ। तुम इतना डरते क्यों हो? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? क्या बकवास कर रही हैं आप? आप जुल्म कर रहे हैं इतने से बच्चे पे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और आप अपनी हदें लाग रही हैं। और बच्चे के साथ जो आपने जुल्म किया वो हदों में रह के किया? बेचारा बच्चा एक झंडा लेके आ गया तो आपने उसको पाकिस्तानी बना दिया? एक खत क्या लिख दिया आपको जो आपको पढ़ना नहीं आता तो आपने उसको आतंकवादी बना दिया? आप पढ़ सकते हैं इस खत को? उर्दू आती है आपको? आपको उर्दू नहीं आती तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या वो इंसान नहीं रहा? उसकी रगों में खून नहीं है आपकी तरह? लाइए मुझे दीजिए खत, मैं देखती हूँ क्या लिखा है इसमें। लीजिए। सुनिए क्या लिखा है इस खत में। अली के उस्ताद जी को मेरा सलाम। आपने अली को स्कूल में दाखिला देके बहुत अच्छा किया। मैं चाहती हूं कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर तो स्कूल में ही पढ़कर बना जा सकता है। अली आपकी तारीफ करता है। हम जानते हैं कि अली को कुछ नहीं आता, इसलिए आप उसको बार बार मारते पीटते हैं। लेकिन वो सीख जाएगा। उसको कुरान के 21 पारे याद हैं, अंग्रेजी के सबक भी याद कर लेगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप उसको मारे पीटना। एक बात और, अली ने हमें ये बताया कि उस दिन स्कूल में चांद तारे वाला झंडा लाने के लिए आप ही ने कहा था। कैसे वाली बेटा, कल क्या है? 26 जनवरी। हाँ, तो कल क्या लाना है? झंडा। कौन सा झंडा लाओगे? हाँ बेटा, मदरसे का झंडा ले आना, ठीक है? ठीक है सर। जाओ तुम। जिसके लिए उसको बहुत मार पड़ी, लेकिन मेरे अलावा उसने किसी और से नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि इस बात के लिए शायद आपको डांट पड़े। कुरान शरीफ में लिखा है कि बुरा करने वालों के साथ अल्लाह बुरा ही करता है। फिलहाल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं। अली के साथ थोड़ी सी नरमी के साथ पेश आइए। अली की फूफो जहरा रजा।
जमाल जानते हैं रजा साहब, दुनिया को हासिल करने के चक्कर में अक्सर ईमान वालों की कश्तियां डूब जाती हैं। क्या मिलेगा आपको अली को स्कूल में पढ़ाने की इज्जत से? जमाल जानते हो मैंने अपनी भतीजी को तुमसे मोहब्बत करने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि तुम एक शायर भी हो। शायर इंसान और इंसानी जज्बात को बेहतर समझते हैं, अच्छे और बुरे का फर्क समझते हैं। पर अफसोस तुम तो एक मामूली हाफिज निकले जिसने कुरान खोल कर पी तो लिया पर उसके मायने नहीं समझ सका। खुदा हाफिज। रजा साहब फैसला कर लीजिएगा, या तो कल सुबह आपका बेटा मदरसे में जाएगा या आपकी बहन पाकिस्तान। अरे बीबी बीबी ये अली कहाँ चला गया? अरे उसके स्कूल की पोशाक यहाँ क्यों लटकी हुई है? अली गया नहीं स्कूल क्या? अली 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 अरे कहाँ चला गया बिट्टो? क्या हुआ क्या हुआ बीबी? अरे कुछ बोलो तो। बीबी बीबी शमीमा शमीमा अली कहाँ गया? बाहर जा रहे? नहीं नहीं वो भाई वो अपने आपा के पास क्लिनिक पर गया होगा। हाँ आप हम देख के आते हैं फुफो, हम देख वो देकर आ जाएगी ना, हम चले जाते हैं। हम बाहर जा रहे हैं। आप नहीं जाएंगे बाजी। आप रुकिए। अरे हम तुरंत वापस आ जाएंगे। आप यहीं रहिए, मैं देखती हूँ, मैं तुरंत जाके देख के आती हूँ। अली ठीक है बाजी, वो कहीं नहीं गया। अच्छा हम होके आते हैं। आप नहीं जाएंगे बाजी, आप यहीं रहिए। आप यहीं रहिए ना बाजी। बाजी तुम हटो तो सही। अरे बाजी आप क्यों नहीं मानते? बाजी रुकिए ना। पप्पू रुकिए। यमी यमी बाजी को रोको। पप्पू बाजी पप्पू रुकिए। पप्पू तुम ना रजा साहब को दवा खाने से लेकर आओ, जल्दी जाओ। बाजी बाजी अली अली अली
चलो। फुफू, अब्बू कह रहे थे हमें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम मदरसे में ही पढ़ेंगे। लेकिन अली, तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, और डॉक्टर बनने के लिए स्कूल में पढ़ना तो जरूरी है ना। फुफो के लिए डॉक्टर बनोगे ना अली? चलो मेरे साथ, चलो। बाजी, नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही है बाजी। बाजी, ये बात हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं बाजी। बाजी देखिए ना, देखिए आप समझ नहीं रही है। नहीं, हम इसको नहीं ले जाने देंगे। नहीं बाजी, रुकिए ना, आप हमारी बात, बाजी आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही? बाजी बाजी आप समझ नहीं रही हैं बाजी, आप अली को स्कूल नहीं ले जा सकती। बाजी 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 आप अली को स्कूल ना ले जाइए, हम आपके हाथ जोड़े हैं, हम आपके पैर पड़े हैं। बाजी आप अली को नहीं ले जा सकती। बाजी आप समझ नहीं रही हैं बाजी, आप समझ नहीं रही हैं बाजी। बाजी आप, हम आपके दोबारा नहीं खोना चाहते। परसों पहले गलती की थी, उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं बाजी। अरे उस गलती के लिए तो कब से हमने तुम्हें माफ कर दिया रजा। सवाल हमारी जिंदगी का नहीं है, ना तुम्हारे मेरे रिश्ते का, सवाल है आने वाली नस्लों का रजा। तुम समझते क्यों नहीं हो? हटो तुम यहां से, हटो, रास्ता दो। चलो अली, पढ़ाई करेंगे ना, चलो। बाजी, हाय अली, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? और वो कौन है तुम्हारे साथ? वो मेरी फुफू है, पाकिस्तान से आई है। जहरा रजा, आपके खिलाफ वारंट है, आपका वीजा खत्म हो चुका है, आपको डिपोर्ट करने के ऑर्डर्स हैं। चलिए मैडम। अली वहां पीछे देखो, पीछे देखो। फुफू, फुफू, खोलो खोलो फुफू, खोलो फुफू, 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 खोलो। खुदा हाफिज़ अली, खुदा हाफिज़ मेरी जान, आपको कुछ जाना ही पड़ेगा।
जहरा रजा ने खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्बानियां यूं ही बेकार तो नहीं जाती। अली आखिरकार डॉक्टर बन गया, डॉक्टर अली रजा। यकीनन इरादे बुलंद हो तो मंजिल पांव तले आ ही जाती है। ये कहानी सिर्फ अली की ही नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखना चाहता है। पप्पू झूठ बोलकर चली गई ना, मैं तो आपका इंतजार ही करता रह गया, लेकिन आप नहीं आई। मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर अली रजा, लेकिन आप फिर भी नहीं आई। कोई बात नहीं पप्पू, मुझे पता है कि आप मजबूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं पप्पू। दादा कहते थे कि मरने के बाद सब मिल जाते हैं, हम भी मिल जाएंगे पप्पू। शम्मी बाजी आपको बहुत याद करती हैं। उनके शौहर अंग्रेजी पढ़ाते पप्पू, आप जानती हैं कि आपू आपको बहुत याद करते हैं पप्पू। हम भी कहते हैं कि अगर आप होते तो आपको मुझ पर बहुत नाज होता, लेकिन मुझे पता है पप्पू कि आपको मुझ पर बहुत नाज है।